तो हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITI डीटेक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारी ITI की जो मार्कशीट है वो कैसे कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक रिजल्ट आ चुका है बहुत ही दिन हो चुके, काफ़ी दिन हो चुके हैं, और जहाँ पे आपको बाद में बताया गया था कॉलेज थ्रू कि जो आपको जो क्या करना है, आपका अगर नाम अगर में गड़बड़ होंगी था आपको ग्रीवेंस में डालना था, अगर नहीं है तो आपको एक्सेप्ट करना था, और उसके ठीक 24 घंटे बाद आपकी जो मार्कशीट थी जनरेट होने वाली थी। दोस्तों, अभी तक आपने अपनी मार्कशीट जो है जनरेट नहीं की है या फिर आपने डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड करना आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, कैसे क्या डाउनलोड करना है इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ITI से रिलेटेड जितने भी जॉब वैकेंसी अपडेट्स हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले क्या होना, आपके पास जो ITI की हॉल टिकट है आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है गूगल। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर NCVT MIS कर देना है। NCVT MIS लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रेनी प्रोफाइल करके इस ऑप्शन पर चले जाना है। ट्रेनिंग प्रोफाइल ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको क्या डालना है दोस्तों, जो कि आपका जो हॉल टिकट पे नंबर है वो इंटर कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना जो हॉल टिकट है वो इंटर कर देता हूँ। जहाँ पर आपके दो हॉल टिकट पर 200 रहते हैं, स्टार्टिंग के जो 000 रहेगा आपको वहाँ पर उसको हटा देना है 00 को, और वहाँ पे आपको R लिख लेना है। R लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ फादर नेम पूछ रहा है तो अपना मैं यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ मांगता है। डेट ऑफ बर्थ मांगने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर कर लेना है। तो दोस्तों, ये जो डाटा है थोड़ा प्राइवेसी होने के कारण मैं आपको यहाँ पर ब्लर करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी प्रोसीजर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ कैप्चा मांगेगा, आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा मैंने फिलअप कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपकी देखिएगा आपकी जो मार्कशीट है उसको जो ऑप्शन देगा आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है, इस तरह का आपका मार्कशीट का जो अपना जो प्रोफाइल है आपकी दिखेंगी। और उसके बाद आपको कॉर्नर में मार्कशीट का जो आपको जूम करने का जो ऑप्शन है उस पर टच कर देना है। जैसे आप यहाँ पर जूम के ऑप्शन पर टच करोगे आपकी मार्कशीट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसको क्या करना है, इस बार जो मार्कशीट है आपकी कॉलेज थ्रू नहीं मिलने वाली तो आपको खुद से ही जनरेट करना है, खुद से डाउनलोड करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको जो मार्कशीट है कैसे डाउनलोड करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।